गाइस आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब में कि दी आपका सी सेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हम आपका ब्लॉग वगैरह देखते थे तो आपने ऐसा कुछ हम सबके साथ नहीं शेयर किया था कि आपका सी सेक्शन होगा। आप तो बोल रहे थे कि मेरा सब कुछ अच्छा है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना प्रॉपर तरीके से एक ब्लॉग बनाया जाए और ब्लॉग में ही आप सबको बताया जाए कि मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ, सेक्शन में कितना पेन हुआ, एनेस्थीसिया देने में कितना ज़्यादा पेन हुआ, वो सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सब कैसे, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस आज का ब्लॉग यही होने वाला है कि मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ। 9 मंथ में मुझे ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गया कि डॉक्टर मुझे अर्जेंट रिकमेंड किया कि आपका सी सेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें हम आप सबके साथ शेयर करने। और यहाँ पे मेरा बेबी बॉय, तो इसकी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 9 मंथ के बाद। जो लोग हमारे ब्लॉग प्रॉपर तरीके से देख रहा होगा उसको अच्छे से पता होगा कि मेरा जो ट्रीटमेंट था वो दिल्ली हॉस्पिटल RR से चल रहा था, बिकॉज वो मेरे फौज का हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे फौजी फैमिली, वहीं पे मेरा ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। हमारे फौजी साहब थे, वो उन्होंने छुट्टी बचा के रखा था कि जैसे डिलीवरी का टाइम आएगा तो हम अपनी छुट्टी ले लेंगे। इसी बीच हमने क्या बोला कि हम गाँव में शिफ्ट हो जाते हैं, लाइक वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉज के साथ रहेंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग भी रहेंगे, उनको सब कुछ नॉलेज है, यहाँ पे हम दोनों हैं तो हम दोनों को कुछ नहीं पता। और मेरी सासू माँ भी नहीं आ सकती थी क्योंकि घर पे वो भी अकेले थे, तो फिर हम वहीं शिफ्ट हो गए थे गांव में जाके। और वहाँ भी हॉस्पिटल वगैरह का कोई इशू नहीं था, सब कुछ ईजिली हो जाता। फिर हम अपनी अगेन गए 9 मंथ का अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने, बिकॉज जो हमारा बैक पेन था एंड पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन एंड मेरे राइट वाले पैर में बहुत ज़्यादा पेन था, तो मैंने सोचा कि एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं कि क्यों पेन हो रहा है। तो फिर हम अगेन गए अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने, वहाँ पर मैम ने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया तो मैम ने बोला कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने मैम से बोला कि मुझे पेन हो रहा है, तो मैम ने बोला कि इट्स ए नॉर्मल, ये होता है बेबी का, बिकॉज जो हमारे बेबी का वेट है वो बढ़ता है, इसके वजह से हो सकता है कि आपको पेन वगैरह हो रहा हो। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर हम इसलिए सफ़र किए और दिल्ली से रीवा आ गए। मैम ने हमें ये बोला था कि 37 वीक के बाद आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो फिर हो गया, हम लोग आ गए। 9 मंथ का 15 डेज हुआ होगा हम गाँव में शिफ्ट हो गए कि चलो कोई नहीं, धीरे धीरे हम अपना हॉस्पिटल बैग वगैरह रेडी कर रहे थे कि कभी भी पेन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मुझे तो पेन हमेशा रहता था मेरे बैक पेन में एंड जो मेरा पेट वाला हिस्सा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लाइक पीरियड जैसे पेन होता है उससे भी कहीं ज़्यादा पेन हो रहा था, वो पेन एडजस्ट करने की हमें आदत। तो फिर मैंने सोचा था कि अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो हम हॉस्पिटल जाएँगे। और जो मेरे डिलीवरी की डेट थी वो 8 मार्च 2024 थी। अब 8 मार्च की बात करते हैं, मॉर्निंग में हमने नहाया धोया, भगवान का पूजा वूजा किया क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि थी, पूजा वगैरह किया। और इसके बाद इंतज़ार कर रहे थे कि लेबर पेन स्टार्ट होगा, वैसे हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो दोपहर का टाइम आ गया, शाम का टाइम आ गया, उससे ज़्यादा मेरा पेन बढ़ा ही नहीं, तो हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, कल हो जाएगी या परसों हो जाएगी, क्योंकि मेरा 40 वीक ऑलरेडी चल रहा था। और डर भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि कैसे पेन वगैरह एडजस्ट करूँगी, तो ये चीज़ें तो चलो साइड में रखते हैं। फिर मुझे कोई पेन वगैरह नहीं आया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, कोई भी पेन नहीं स्टार्ट हुआ। बट बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता था मुझे, खड़ा नहीं होया जाता था एंड कोई काम वगैरह नहीं होया जा रहा था। और काम मैं प्रॉपर तरीके से करती थी, जो घर के छोटे मोटे काम थे लाइक पोछा लगाना, खाना बनाना, ये मैंने जब तक मैंने बेबी बॉय डिलीवर नहीं किया तब तक कर रही थी। और वॉकिंग वगैरह भी मैंने बहुत ज़्यादा किया था। फिर हम फौजी साहब को बोले, क्योंकि उस टाइम फौजी साहब छुट्टी लेके आ गए थे, वो उन्हें छुट्टी बचा के रखा था कि हम डिलीवरी टाइम में छुट्टी यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 8 को नहीं हुआ, 9 को नहीं हुआ, 10 को नहीं हुआ, 11 को नहीं हुआ, 12 को मैंने क्या बोला इनसे कि चलते हैं हॉस्पिटल, दिखाते हैं कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, बिकॉज 40 वीक कम्प्लीट हो चुका है।
तो इन्होंने बोला कि नहीं, 1-2 दिन और वेट करते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे से नहीं हो पा रहा है वेट बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओवर हो रहा है और इरिटेशन हो रहा है मेरे को, कि मुझे लाइक अंदर से हैवीनेस फील होती थी कि जल्दी से मैं भी फ्री हो जाऊं। लोगों की मैं बहुत ज़्यादा वीडियो देखती थी जो मेरे साथ साथ प्रेगनेंट थे, उनको किसी को गर्ल हुई किसी को बॉय हुआ, तो मुझे लगता था मन में इतना ज़्यादा कि मेरे को भी हो जाए, मैं भी जल्दी से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि जो टमी था वो ज़्यादा हैवी हो रहा था, क्योंकि डे बाई डे बच्चा तो ग्रोथ करेगा अंदर ऐसा करके। तो इन्होंने बोला कि नहीं वेट करते, तो मैं बोला ठीक है, मैं आके रूम में बैठ गई चुपचाप, और ये आए मेरे से कुछ बोल रहे तो मैं इनसे बात ही नहीं की। तो इन्होंने सोचा कि इसका मूड ऑफ हो चुका है, तो फिर इसको ले चलते हैं। तो फिर पास के हॉस्पिटल में, वहाँ पे हम गायनकोलॉजिस्ट आती थी, इनसे इन्होंने बात किया और फिर बोले कि चलते हैं। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे, हम अपनी गायनकोलॉजिस्ट से मिले, तो उन्होंने बोला कि चलो लेबर रूम में लेट जाओ। अब डर तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से लग रहा था, तो फिर मैं गई, वहीं लेट गई। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड किया, ठीक है। फिर उन्होंने मेरा सर्विक्स चेक किया, तो सोचो आप, 40 वीक कंप्लीट होने के बाद भी जो मेरा सर्विक्स था वो बिल्कुल ओपन नहीं था, एंड जो बेबी का हेड वाला पोजीशन था वो भी अपना हेड ऊपर ही रखा था, वो अंदर नीचे ले ही नहीं गया। फिर मैम बाहर आई और फौजी साहब से मिली, उन्होंने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो आपके बेबी का सर है वो ज़्यादा बड़ा है, बेबी वेट गेन कर चुका है। वेट गेन तो चलो सही है, ये तो नॉर्मल है 4 kg, बट जो बेबी का हेड वाला एरिया है वो बड़ा है, और आपकी फर्स्ट डिलीवरी है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, एंड जो वाटर लेवल भी कम हो गया है 5% से 3%, एंड जो आपका बेबी है वो यूरिन भी कर चुका है, ऐसा करके उन्होंने बोला था। आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम है, 90% सिजेरियन है, 10% नॉर्मल है, अगर आप चाहते हैं तो करा सकते हैं, ठीक है। फिर फौजी साहब तुरंत आए और तुरंत हम घर आए, 1 घंटे रुके घर में, फिर हमने अपना तैयारी वगैरह करके हम चले गए प्रयागराज, MS मिलिट्री हॉस्पिटल प्रयागराज। फिर वहाँ गए, फिर हम अपने गायनकोलॉजिस्ट से मिले, जिससे हम 1-2 बार कंसल्ट किए थे, और जो गायनकोलॉजिस्ट मैम थी इन्हीं के साथ पोस्टेड थी, तो अच्छी जान पहचान थी इनकी, सो देखती वो पहचान ली। फिर उन्होंने मुझे डांटा भी कि जब आपके आपकी डिलीवरी का टाइम 8 मार्च था, तो फिर आपने लेट क्यों किया, ऐसा करके। मैम ने बोला चलो कोई नहीं, वहाँ पे भी कोई इशू वगैरह नहीं क्रिएट हुआ। फिर मैम ने मुझे फैमिली वार्ड में भेज दिया, कि जहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग जो प्रेग्नेंट वोमेन थी वहाँ पे एडमिट थी। MNS जो थी उन्होंने मेरे को बुलाया और हमें लेबर रूम में ले गए। फिर फौजी साहब लोग को अंदर अलाउ नहीं था, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी ओमिन वगैरह थी, तो वहाँ पे सिर्फ MNS थी और कोई नहीं था, जेंट्स वहाँ अलाउ नहीं थे। फिर वो लोग बाहर ही रुके, फिर मैम ने मुझे अपने अंडर में ले लिया, फिर मैम मुझे ले गई डिलीवरी रूम में, वहाँ पे उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह किया। फिर मैम ने भी यही सेम चीज़ बोला कि बच्चे का जो हेड है वो बड़ा हो चुका है और फर्स्ट डिलीवरी है आपकी, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं है। और फौजी साहब ने चुपचाप बोल दिया था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है, बिकॉज वो भी डर रहे होंगे कि चलो ठीक है, और हमारे यहाँ सिजेरियन डिलीवरी दूर दूर तक नहीं हुई है, सो वो भी सोच रहे थे कि नॉर्मल ही चाहिए। तो उन्होंने मैम से कंसल्ट किया कि मैम नॉर्मल के चांसेस अगर 10-20% हो तो आप नॉर्मल कर दीजिए। तो मैम ने बोला, फिर आके उन्होंने बोला कि 1% चांसेस नहीं है, बच्चा आपका यूरिन कर चुका है और लेट हो चुका है, अगर ये 8 तारीख को जिस दिन इनकी डेट थी आ जाती तो हो सकता है, पॉसिबल हो जाता कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, और 1 हफ्ते में बच्चे की ग्रोथ हो चुकी है, जो आपके बच्चे का वेट है वो भी 4 kg के समथिंग हो चुका है, अल्ट्रासाउंड करके मैम ने देखा। फिर मैम ने मुझे शिफ्ट कर लिया, फिर रात में मैम मुझे एक अलग कमरे में रख दिया, वहाँ पे फिर मैम ने मुझे बोला कि पानी वगैरह नहीं पीना है, कुछ खाना पीना नहीं है, एक टैबलेट दिया और मैं जाके चुपचाप सो गई। और रात में मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, और मैम ने मुझे बोला था कि अगर पेन वगैरह होगा तो मेरे पास आना, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं लाइक बैठ रही हूँ उठ रही हूँ, क्या करूँ कहाँ जाऊँ, और वहाँ कोई था भी नहीं, बस एक लेडीज थी तो वो भी सो रही थी, फौजी की वाइफ होगी कोई,
तो फिर मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया कि सो रहे होंगे, किसी को क्या दिक्कत है। तो फिर मैं जैसे तैसे वो पेन एडजस्ट किया। मैंने बोला भाई साहब इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, अगर नॉर्मल डिलीवरी होती तो क्या हाल होता। और मुझे कोई डर वगैरह नहीं लग रहा है, मैं सच बताऊँ मेरा सी सेक्शन भी बोला डॉक्टर, तो मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। मैंने ये सोच लिया कि नॉर्मल से तो बेस्ट ही है, नॉर्मल वाला पेन मेरे से नहीं सहा जाएगा, ऐसा करके मैंने सोचा कि अच्छा हुआ मेरा सी सेक्शन होगा और यहाँ पे मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। और फौजी साहब को डर लग रहा है कि दूर दूर तक तो ऑपरेशन वगैरह हुआ नहीं है, कैसे एडजस्ट करेगी इतना ज़्यादा। तो और मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। मैम ने मेरे सारे चूड़ी वगैरह सब कुछ उतरवा के एक पेशेंट की तरह ट्रीट करने लगे मुझे, ठीक है। फिर मैम ने बोला कि कुछ खाना पीना नहीं है, तो फिर मैंने कुछ रात में कुछ खाया पिया नहीं, और नींद तो मुझे ओ माय गॉड कभी आती नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा। फिर थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लग गई, फिर मैम आए मेरे पास 5 बजे, फिर उन्होंने मुझे उठाया, फिर ले गए लेबर रूम में, मेरे ड्रेस वगैरह चेंज कराए और जल को वगैरह हाथ में लगाया, एंड यूरिन पाइप जो होती है वो लगाया उन्होंने। फिर और मेरे जो बाल थे उन्होंने 2 छोटी करके बनाया। मैं प्रॉपर तरीके से सी सेक्शन के लिए रेडी हो गई थी। बता दूँ कि मुझे कोई डर वगैरह नहीं लग रहा था, मैं आपको सच बताऊं। और जो फौजी साहब थे वो डरे जा रहे थे। फिर एक बार अगेन आके फौजी साहब मेरे से मिले और हम थोड़ा सा बात बात किए, और डर तो वो भी रहते बट मुझे बोल रहे थे कि डरना वरना नहीं है ऐसा करके। मैं बोली मैं कुछ नहीं डर रही हूँ, मेरे को सच बताऊँ तो मुझे वहाँ पर बिल्कुल डर वगैरह नहीं लग रहा था। फिर गाड़ी आ गई और फिर हमें ओटी में ले जाया जा रहा था, पीछे पीछे फौजी साहब भी जा रहे थे क्योंकि हमसे ज़्यादा तो वो डर रहे थे। और फिर हम चले गए, मुझे कोई डर वगैरह नहीं लग रहा था, 0.1% भी डर नहीं लग रहा था। मैंने भगवान का नाम लिया, हमने बोला कि सब कुछ अच्छा होगा। वहाँ पे एक मंदिर था, वहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रे किया, मुझे थोड़ा सा भगवान दिखे जैसे मैं गाड़ी में बैठी, मैंने प्रे किया उनसे और चली गई मैं सीधा ओटी रूम में। फिर मुझे ओटी रूम में ले गए, वहाँ पे मुझे लेटाए बिठाए, और आपको कभी नहीं दिखा के डॉक्टर्स ऑपरेशन करेंगे, वहाँ पे 2-3 डॉक्टर, गायनकोलॉजिस्ट एंड ओटी ऑपरेशन वाले डॉक्टर और स्टाफ, उनके जो भी नर्सेस वगैरह सब कोई वहाँ अवेलेबल होते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। फिर आपको दिखा के कभी भी वो ऑपरेशन वगैरह नहीं करेंगे कि पेशेंट डर ना जाए ऐसा देख के। सो उन्होंने मेरे टमी के पास से उन्होंने कपड़ा रख दिया, वो ग्रीन कलर वाला जो हॉस्पिटल का कपड़ा होता है उसको रख दिया कि इनको दिखे नहीं, बट हम लोग को दिखता है। वो जो ऊपर लाइटिंग वगैरह रहती है ना उसमें थोड़ा थोड़ा दिखता है, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं सीधा लेट गई क्योंकि इतना ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। 9 मंथ 10 मंथ 10 मंथ का 15 डेज बाद मुझे डिलीवरी हुई थी, तो मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा था कि जल्दी से कैसे भी करके बेबी बाहर आ जाए। ब्लड वगैरह मुझे देने की ज़रूरत नहीं थी, जो मेरा ब्लड था वो 14 पॉइंट ठीक था, ऑपरेशन के लिए बेस्ट होता है, और ब्लड की कोई दिक्कत नहीं थी। बट उनका जो भी वाटर वगैरह, ग्लूकोज वगैरह जो भी पेन वाला था वो सब अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, कोई बीपी देख रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, सब अपने अपने काम में लग गए। और उधर डॉक्टर क्या कर रहे हैं मैंने देखा भी नहीं, बस कभी कभी लाइटिंग में देख लेती थी, बट मैंने कुछ नहीं किया। मैंने चुपचाप अपने दोनों आइस बंद कर लिए और मैं ये सोच रही थी कि मुझे होने वाला बेबी बेबी गर्ल हो गया बेबी बॉय। मुझे डॉक्टर बोले कि जैसे आप ठंड में सोते हो उस टाइप से सो, उन्होंने एनेस्थिया देना था मुझे। तो अब मैं बताती हूँ कि एनेस्थिया कितना पेनफुल होता है। तो कुछ वो डॉक्टर आइस टाइप का लगाते हैं जिससे थोड़ा सा ठंडक फील होता है, तो इतना ज़्यादा पेन आपको नहीं फील होगा। लाइक जैसे लोग बोलते हैं ना कि पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल पेन नहीं होता, जो नॉर्मल इंजेक्शन होता है उसी टाइप का पेन आपको महसूस होगा, ठीक है। उन्होंने पेन दिया तो उसके बाद मुझे जो भी पेन वगैरह था कमर उमर में सब कुछ बंद हो गया, लाइक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बॉडी एकदम से काम करना बंद कर दिया। फिर कहीं भी कोई टच हो रहा है कोई वो नहीं। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि बोलते हैं कि जितना चींटी वगैरह कट करती है उतना ज़्यादा पता चलता है, तो मुझे एक भी नहीं पता चला। लाइक जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो मुझे एक भी पता नहीं चला कब बेबी मेरा बाहर आ गया, और ये यूवी हुआ तो ये बहुत तेज तेज से रोना स्टार्ट कर दिया। तब मेरे कानों में झनक गया कि हाँ ऑपरेशन हो गया है, बेबी बाहर आ गया, और मैम बेबी को लेके चली गई थी, मुझे भी बताया भी नहीं था कि क्या हुआ। तो मैंने अपना आँख खोला तो जो
ओटी के स्टाफ वगैरह थे, इनके फ्रेंड वगैरह थे फौजी साहब के साथ, वो भी पोस्टेड थे। तो एक भैया को मैं पहचानती थी, फौज ही थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वो भी नहीं देख पाए थे ना कि मुझे क्या हुआ, क्योंकि वो मेरे फ्रंट में थे और डॉक्टर वगैरह पीछे थे। वो तुरंत निकाल के नर्स को दे दिए, तो नर्स क्लीन करने के लिए बेबी को लेके चली गई, क्योंकि उनका प्रोसेस होता है कि बच्चा क्लीन करना है, उनका वेट वगैरह सब कुछ करना है, तो लेके चली गई। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या हुआ है, तो उन्होंने नहीं बोला कि मैम मुझे नहीं पता है क्या हुआ है, थोड़ी देर बाद आपको दिखाया दिया जाएगा। अब मुझे वो होने लगा कि मुझे क्या हुआ है, गर्ल हुआ है। तो एक जो नर्स थी तो वो बोली कि मेरा भी डेट ऑफ बर्थ 13 है, तो मुझे लगा कि शायद मुझे बेबी गर्ल हुई है, ऐसा करके बोल रहे हैं। सो वहाँ पे मेरी बीपी, पता नहीं क्यों मेरी बीपी लो होना स्टार्ट हो गई, तो जो ओटी वाले डॉक्टर थे तो वो मुझे चिल्लाना स्टार्ट कर दिए कि आपकी बीपी क्यों लो हो रही है, आप क्यों हेडक ले रही हो, तो बाकी सर मुझे क्या हुआ है। सो भाई हंसने लगे, वो सर हंसने लगे, बोले कि नर्स ले आओ इनको दिखाओ। फिर वहाँ पे नर्स आई और मुझे मेरा बेबी दिखाई ऐसे करके। सो मैंने अपने बेबी को देखा, तब मैं अपना सारा दर्द भूल गई, क्योंकि उस टाइम पे मुझे दर्द वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर मेरा ऑपरेशन वगैरह किया, फिर सी सेक्शन में मुझे जैसे मेरा दवाई डाल के क्लीन करने लगे, लाइक जो मेरा बेबी था वो यूरिन कर रखा था मेरे पेट के अंदर, सो वो अपना मेडिसिन वगैरह डाल के क्लीन करने लगे, तो मुझे उसकी जो बू है वो मेरे फेस तक आने लगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वहीं ओटी सेक्शन में ही होने लगी। मुझे ऑपरेशन में ही वॉमिटिंग होने लगी। मैंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है, फिर भी डॉक्टर मुझे चिल्ला रहे हैं कि क्यों हो गया। मैंने बोला कि डॉक्टर मुझे वॉमिटिंग टाइप का लग रहा है, उन्होंने बोला टाइप लग रहा है, वॉमिटिंग वगैरह नहीं आएगी आपको। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे आ रही है, मैं बात कर रही थी, कोई वो नहीं था बिल्कुल, आपको नहीं पता चलेगा जब वो कट वगैरह करेंगे एंड स्टिचेस वगैरह लगाएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, कोई पेन वगैरह नहीं होता है। वहाँ पे मुझे कोई पेन वगैरह नहीं हुआ, मैं अच्छा खासा बात कर रही थी और हंस भी रही थी। फिर मैंने अपने जब बेबी को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा हंस रही थी, क्योंकि बेबी बॉय हुआ था, वो भी बिल्कुल फौजी साहब जैसे। सो ये वाला जो मोमेंट होता है वो बेस्ट मोमेंट होता है। फिर ठीक है, मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ और बॉटल वगैरह बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा वो जो पेन वगैरह ना हो आपको। बेबी को वो लोग फैमिली वार्ड में ले गए थे, यहाँ पे सिर्फ फौजी साहब थे। जैसे मैं ओटी से निकली तो फौजी साहब खड़े थे, वो बेबी के पास भी नहीं गए थे, वो बस यहीं से देख लिए थे कि बेबी आ गया है, और वहाँ पे मम्मी लोग थे तो वो लोग देख रहे थे बेबी को। फिर हमें ले गया फैमिली वार्ड में शिफ्ट किया, उस दिन तो कोई पेन वगैरह नहीं हुआ। जैसे आप फैमिली वार्ड में शिफ्ट हो जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बॉटल वगैरह दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो भी लॉस हो जाता है और आपका वाटर वाटर सब कुछ लॉस हो जाता है। हमें तो ब्लड वर्ड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बट वाटर वाटर मेरे अच्छे चढ़ रहे थे, ग्लूकोज एंड पेन वाला जो भी था वो कंटिन्यू चढ़ रहा था, और आपको एक हफ्ते तक कंटिन्यू चढ़ेगा बिकॉज इतना ज़्यादा पेन होता है। फिर आपको उस दिन कोई पेन नहीं हुआ, ना तो आप खड़े हो सकते हो, ना आप बैठ सकते हो, आप चुपचाप लेट सकते हो ओनली। फिर उस दिन भी मेरा बेबी मेरे पास नहीं आया। और फिर मॉर्निंग की बात करते हैं कि एनेस्थीसिया का असर जब आपके बॉडी से हटेगा, ओ माय गॉड, जब आप फर्स्ट बार सेकंड डे ही आपको डॉक्टर खड़ा कर देगा, और वो पेन बाप रे, इतना ज़्यादा पेन होता है कि आप बैठ जाओगे, आपसे ना उठते बनेगा ना बैठते बनेगा, इतना ज़्यादा पेन बाप रे। नॉर्मल डिलीवरी का तो पेन मुझे नहीं पता, बट हाँ आप बोल सकते हो उसके बाद आपको बहुत पेन होगा। आप जब पहला कदम रखोगे तो आपको इतना ज़्यादा पेन होगा कि आप ये भी नहीं सोचोगे कि मुझे हो कहाँ रहा है पेन। और जब मैम ने मुझे मॉर्निंग में खड़ा किया कि चलो थोड़ी देर टहलो, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, और मैम लोग पकड़ के चलते हैं आपको, जो नर्सेस होती हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे बट चलना आपको ही है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन हुआ। फिर हम आके फिर लेट गए, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट भाग चलना है
तो पेन तो बहुत होगा ऑपरेशन के बाद, जैसे एनेस्थिया का नशा उतरेगा आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। ओ माय गॉड, अगर मुझे कोई दोबारा ऑपरेशन के लिए बोले तो फिर मैं भाई हाथ जोड़ूँ कि नहीं हो सकता मेरे से, उधर पेन हुआ। सब कुछ इजीली नहीं मिल सकता लाइफ में आपको, चाहे आप ऑपरेशन कराओ। ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में पहले पेन होता है, ऑपरेशन में बाद में पेन होता है। इतना ज़्यादा मैं रोती थी, जबकि आप सोचो कि इतना ज़्यादा पेन का इंजेक्शन बॉटल वगैरह डॉक्टर देते हैं हर घंटे, हर मिनट, हर आधा घंटे में कम से कम 50 से 60 बॉटल वो चढ़ाते हैं आपको, और डेली आपको इंजेक्शन वगैरह एंड जो टैबलेट वगैरह सब कुछ देते हैं। इसके बावजूद अगर आपको इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऑपरेशन के 10 दिन तक आपको पेन होता गया, पर धीरे धीरे ये पेन कम हो जाता है। पर उस बीच में मैं इतना ज़्यादा रोती थी पेन से, और वो लोग बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको दे देंगे कि आपको ही संभालना है, आपका बेबी फीड भी करना है आपको, और आपको बेस्ट फीड भी करना है, बेबी को उठाना भी है और चलना भी है, वॉक भी कराते हैं, चलना भी है आपको, बेबी फीड भी कराना है, और कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दे देते हैं। कि इसलिए देते हैं कि पेशेंट की जो बॉडी है वो ठीक ठाक रहे, वो चल ले, ये सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ 10 दिन तक, ना आपसे उठा जाएगा, ना बैठा जाएगा, ना चला जाएगा। उसके सेकेंड थर्ड डे से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेटने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत, ना आप लेफ्ट करवट सो सकते हो, ना आप राइट करवट सो सकते हो, हर चीज़ में दिक्कत। और इस बीच डॉक्टर आपको इंजेक्शन वगैरह और दर्द का जो भी पेन किलर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो फिर भी उसके बावजूद भी आप कभी खुद से उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बेबी फीड नहीं कर सकते। अगर आपको बेबी फीड करना है तो आपको बैठ के करना है। 10 डेज तक आपको बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, इसके बाद धीरे धीरे पेन गायब होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 1 हफ्ते तक आपको अच्छा खासा पेन रहने वाला है। इसके बाद अगर आपका बेबी साथ में है तो उसका चेहरा देख के आप अपना पेन वगैरह भूल सकते हो। बट मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी कि भाई अब मुझे सेकंड बेबी प्लान बिल्कुल नहीं करना है, जो है यही है। सो यही रही मेरी स्टोरी, कैसी लगी? आई होप आप सबको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना। और कौन कौन जा रहा है, किसका किसका डॉक्टर ने सजेस्ट ओटी के लिए किया है, वो लोग कमेंट करिएगा। सो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट यू कैन डू दिस, आप कर सकते हो। अगर आपका बेबी सामने है तो आप ज़रूर सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये पावर सिर्फ ओमेन में ही होती है, वो सब कुछ कर सकती है। तो ये सी रही मेरी ओटी की स्टोरी।